कामयाबी भी मिली है। मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया है। सोमवार सुबह से ही दोनों की तरफ से जो है गोलीबारी जारी थी, जिसमें एक आतंकी ढेर हो गया है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। मारे गए आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि ये आतंकियों का वही ग्रुप है जिसने सोमवार को सेना की गाड़ी पर हमला किया था। तो वहीं सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और एनएसजी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अखनूर में सर्च ऑपरेशन जारी है और ये तस्वीर देखिए, मुठभेड़ की ये तस्वीर सामने आई है। अखनूर में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया है। ये भी बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है। मारे गए आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। सेना के साथ एनएसजी कमांडो ने भी पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। आपको तस्वीरें तीन टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे हैं, तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो है फायरिंग की गई उसकी तस्वीर सामने आई है। अब सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जो है अखनूर में देखने को मिल रहा है और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया है। ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। एनएसजी ने भी जो है पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रखा है और माना यही जा रहा है कि यही आतंकी ग्रुप हो सकता है जिसने सोमवार को सेना की गाड़ी पर हमला किया था। तो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पांच तस्वीरें हैं आप देखिए। आतंकियों से मुठभेड़ की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक आतंकी ढेर हुआ है उसकी भी तस्वीर निकल करके सामने आई है। एनएसजी ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है, सेना की गाड़ी पर भी हमला किया गया है और गाड़ियां यहां पर तैनात हैं। आप देखिए बख्तरबंद गाड़ियां पूरी तरीके से तैनात कर दी गई हैं। सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जो है देखने को मिल रहा है। मुठभेड़ हुई, सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया है। तो पिछले कई दिनों से लगातार ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं जहां पर जम्मू कश्मीर में जो है माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और अब जो आपको तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें जहां पर सेना की गाड़ी पर हमला किया गया, एनएसजी ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रखा है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। और जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारतीय सेना का एनकाउंटर जारी है। सेना के इस ऑपरेशन में कोई चूक न रहे इसके लिए एनकाउंटर वाली जगह जो है बीएमपी 2 टैंक को भी तैनात किया गया है। आपको बता दें कि 30 एमएम वाली जो है मशीन गन से लैस बीएमपी 2 टैंक को जंगल में छिपे आतंकियों के खात्मे के लिए भेजा गया है। इस टैंक का वजन इतना कम होता है कि इसे पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाना आसान होता है। तो टैंक की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यही वो टैंक है जो कि तैनात कर दिया गया है। सेना का ऑपरेशन जारी है, एनएसजी ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। 30 एमएम वाली जो है मशीन गन से लैस बीएमपी 2 टैंक को जंगल में छिपे आतंकियों के खात्मे के लिए भेजा गया है और जो आपको तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं यही बीएमपी 2 टैंक है जो कि वहां पर रखा गया है और इस टैंक का वजन इतना कम होता है कि इसे पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाना काफी आसान होता है। तो जम्मू कश्मीर के अखनूर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि तस्वीरें देखने को मिली है, मुठभेड़ जारी है और इसी बीच जो आपको तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये बीएमपी 2 टैंक आपको दिख रहा है जो कि तैनात कर दिया गया है। 30 एमएम वाली मशीन गन से लैस बीएमपी 2 टैंक जो है वहां पर रखा गया है और जंगल में छिपे आतंकियों के खात्मे के लिए टैंक यहां पर भेजा गया है। इस टैंक का जो वजन है बहुत ही कम होता है, इसे पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाना काफी आसान होता है। तो जम्मू कश्मीर के अखनूर में आपको बता दें कि जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, आतंकी हमला किया जा रहा है और आतंकियों से मुठभेड़ की भी तस्वीरें देखने को मिली हैं और उसी बीच जो आपको टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीर दिखा रहे हैं ये बीएमपी 2 टैंक है जो कि वहां पर रखा गया है, जंगल में छिपे आतंकियों के खात्मे के लिए इस टैंक को भेजा गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आप विजुअल देख रहे हैं ये टैंक हैं, आधुनिक हथियारों से लैस आर्मी के जवान इन टैंक्स में हैं और देखिए ये एक दरिया को क्रॉस कर रहे हैं जो कि इस बटल एरिया में है। इस दरिया को क्रॉस करने के बाद ये भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बन सकते हैं, ये वहीं पे मूव कर रहे हैं और विजुअल्स में आप लगातार देख रहे हैं कि
अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये जो आर्मी के जवान हैं इन टैंक्स में बैठ के जो पानी की सतह को चीरते हुए, पानी की जो लहरें हैं उसको चीरते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और अपने ऑपरेशन में जो बाकी जो ऑपरेशन में लगे हुए हैं उनको वहाँ पे साथ देने के लिए जा रहे हैं।